तो डाउन काउंटर का देखता हूँ, डाउन काउंटर क्या होता है। एलन बेडली में डाउन काउंटर देखेंगे। CTD, ठीक है, काउंटर डाउन, ठीक, कौन से PLC में? एलन ब्रैडली PLC, ठीक। तो इसका जो जनरली ब्लॉक तो देखने में सेम है, जो हम काउंटर डाउन का अप का ब्लॉक लेते हैं एकदम सेम, ऐसे इसमें भी है। क्या क्या लिख कर आता है? यहाँ लिख कर आता है CTD, यहाँ लिख कर आता है काउंटर डाउन, ठीक है। यहाँ काउंटर का एड्रेस आएगा जिसमें हम क्या लिखेंगे, जो भी काउंटर का एड्रेस हमें डालना है, C5:0। यहाँ प्रीसेट आएगा, ठीक है। प्रीसेट में मैं सपोज 5 काउंट रखना, या मैं रखता हूँ 10 काउंट, ठीक है। और यहाँ है एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर मतलब रनिंग काउंटिंग की वैल्यू, ठीक है, 0। और यहाँ आपको CU की जगह CD बिट आएगा, ठीक है। और यहाँ डन बिट आएगा, यहाँ डन बिट। अच्छा, ये अप काउंटर में हम क्या कर रहे थे, उसके भी 3 बिट थे। कौन कौन से बिट थे अप काउंटर में? CU बिट, डन बिट और ओवरफ्लो बिट। और हम देखे थे कि ओवरफ्लो कहाँ ऑन होता है। अब इसमें है CD बिट, डन बिट और अंडरफ्लो बिट, ठीक है। CTD के 3 बिट हैं, हैव 3 कॉमन बिट्स, ठीक है। 3 कॉमन बिट्स है, पहला हो गया आपको CD बिट, दूसरा हो गया डन बिट और तीसरा हो गया अंडरफ्लो बिट, UM, ठीक है। CD का फुल फॉर्म हो गया काउंट डाउन बिट, ठीक है, काउंट डाउन बिट। DN मतलब डन बिट, ठीक है, और UN मतलब अंडर फ्लो बिट। सपोज मेरे पास जो मतलब 3 काउंटर है, 3 बिट है तीनों का, तीनों बिट का मतलब क्या है? CD बिट का, CD बिट, अच्छा मतलब से छोड़ के पहले मैं इसका लॉजिक छोटा सा बता देता हूँ, ठीक है, जो बेसिक लॉजिक होता है ना वो लॉजिक बता देता हूँ। तो मैं एक PLC पे इनपुट पे मैंने लगाया है, ये मेरा सेंसर है एक सपोज, डाउन काउंटर ले लेंगे और इसके साथ मैं एक डाउन इसका, काउंटर डाउन लगा लेता हूँ, काउंटर CTD, ठीक है, CTD। और यहाँ एड्रेस आएगा C5:0, यहाँ आएगा प्रीसेट वैल्यू, मैं प्रीसेट वैल्यू 10 ले लेता हूँ। और यहाँ आएगा आपको आपको प्रीसेट वैल्यू हो गया C5:0, सही तो है। यहाँ आएगा प्रीसेट, तो प्रीसेट मैंने दिया है 10 और एक्यूमुलेटर में 0, यही 3 चीज़ तो आएगा। ऊपर तो नाम मैंने लिखा है ना काउंटर डाउन, 3 चीज़ तो ही आएगा। अच्छा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों बिट के साथ एक एक आउटपुट ले लेता हूँ, जैसे रिप्रेजेंट करता हूँ हमेशा। तो मैंने ले लिया CD बिट और उसके साथ एक PLC का आउटपुट ले लिया रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एड्रेस क्या आएगा? C5:0/CD, और मैं एक आउटपुट ले लेता हूँ O:0/0, ठीक है, और C5:0/DN, और इसका आउटपुट हम ले लेते हैं O:0/1। इसकी मैं अंडर फ्लो बिट ले लेता हूँ C5:0/UN, UN, और इसके साथ मैं एक आउटपुट ले लेता हूँ O:0/2, ठीक है। अब चीज क्या है कि अब ये काम कैसे करेगा, यही तो देखना है हमें, राइट। ये सर कैसे काम करेगा ये बताइए। जनरली देखो, अगर मैं सेंसर से इनपुट देता हूँ, मैंने जैसे कि सेंसर से बाहर से पुश बटन को प्रेस किया या सेंसर सेंस कर रहा है, तो ये क्लोज होगा, क्लोज होगा तो इसको पल्स मिलेगा। अब पल्स मिला तो आपका ये 0 से क्या हो जाएगा? -1 चला जाएगा, क्योंकि डाउन काउंटर है ना, तो -1 हो गया। फिर से पल्स मिलेगा, फिर से जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते -3 -4 करते करते माइनस में जाएगा वैल्यू नीचे। लेकिन आप बोलोगे कि सर ये तो हमको फंडा समझ में नहीं, हमें तो डाउन में काउंट करवाना है। तो अगर आपको CTD यूज करना है और उल्टा काउंट करवाना है, तो आप अपनी प्रीसेट वैल्यू को डायरेक्टली एक्यूमुलेटर में डाल दो। किसको डाल दो? एक्यूमुलेटर में। तो प्रीसेट को मैं काम कर लेता हूँ, प्रीसेट को 10 रखता हूँ और एक्यूमुलेटर को भी 10 रखता हूँ, रख सकता हूँ। ये मेरी प्रीसेट हो गई और ये मेरी एक्यूमुलेटर हो गई, रनिंग काउंटिंग वैल्यू, मैंने दोनों में 10 रख दिया।
और एलन ब्रैडली के हिसाब से ये दोनों जब बराबर होता है,